नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 15 करंट अपडेट्स। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। दिल्ली में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन में होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे थे। वह आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजूद दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। लोगों को टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संतोष गंगवार का कहना है कि हम एनडीए के सभी सहयोगी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। लोगों ने नरेंद्र मोदी पर फिर से भरोसा जताया है। जिस गति से हमने 2 कार्यकाल में काम किया है, इस सत्र में भी लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि यह नामित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हम सभी और भारत के लिए सबसे खुशी का क्षण है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो कुछ भी किया है, शायद ही कुछ प्रधानमंत्रियों ने किया हो। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने जो भी गलत धारणा बनाई थी, उन्होंने सबका मुकाबला किया है। दिल्ली में पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा कहते हैं कि वह कुछ भी कह सकते हैं। समय बताएगा कि कौन किसके संपर्क में है। यहां तक कि उनकी सरकार कब गिरी उन्हें पता नहीं चला और अब उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। राजस्थान के सीकर में शनिवार को 11:16 पर रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। महाराष्ट्र के मुंबई के कई हिस्सों में बारिश हुई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा के यह कुछ दृश्य आप देख सकते हैं। गुजरात के वर्तेज गांव के बस स्टैंड के पास 4 दुकानों में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रही। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि हम मैडम यानी कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में सुरक्षित महसूस करते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। यह राहुल गांधी की वजह से है। भारत जोड़ो यात्रा से हमने 100 सीटें पार कर ली है और यदि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेतृत्व करते हैं तो हम निश्चित रूप से 300 सीटें पार कर जाएंगे। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। कई इलाकों के लिए विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने की सूचना सामने आई है। आग एक होटल में लगी है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद रही। आग की सूचना शाम को 5 बजे के आसपास मिली थी। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में बड़ी खबर सामने आई है। विशाल अग्रवाल के होटल पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। देखिए वहां के कुछ दृश्य। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंची। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।